हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं आइगन मान एवं आइगन फलन से क्या तात्पर्य है, आइगन मान और आइगन फलन का क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, ये इस टाइप से ले लिया अपन ने, है ना। तो हमको पता है कि जो प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, किसके रूप में चलता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, और इन्हीं ऊर्जा के बंडलों को अपन क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इस फोटोन की क्या होती है, कुछ न कुछ ऊर्जा होती है ई इक्वल टू एच न्यू के रूप में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की एक परिमित दूरी होगी, है ना, परिमित क्षेत्र होगा इसका। तो इस परिमित क्षेत्र की ऊर्जा ये क्या रहेगी, ई वन एक निश्चित मान रहेगा इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की एक परिमित क्षेत्र हो गया, तो इसका जो मान है वो क्या रहेगा, एक निश्चित रहेगा, E2 ले लिया। यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो इसके लिए ऊर्जा का मान क्या है, एक निश्चित मान है, E3 ले लिया। यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो इसके लिए ऊर्जा का मान क्या है, E4 है। तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा के अलग अलग बंडलों के लिए ऊर्जा के मान क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, है ना। मतलब एक निश्चित परिमित क्षेत्र के लिए उसका मान क्या रहता है, एक निश्चित रहेगा। यहाँ से यहाँ तक के इसके लिए निश्चित मान रहेगा, इसके लिए निश्चित मान रहेगा, इसके लिए निश्चित मान रहेगा, इसके लिए निश्चित मान रहेगा। और इन्हीं निश्चित मान को, किसके ऊर्जा के निश्चित मानों को हम क्या कहते हैं, इसी की ऊर्जा के निश्चित मानों को हम क्या कहते हैं, आइगन मान कहते हैं। क्या कहते हैं, आइगन मान कहते हैं। और इस ऊर्जा के मानों को जब हम किसी समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो वो जो समीकरण होगा एक फलन के रूप में व्यक्त होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, आइगन फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइगन फलन, है ना। तो आइगन मान समझ में आ गया होगा कि एक परिमित क्षेत्र में ऊर्जा का मान, परिमित क्षेत्र में ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, उसका आइगन मान कहलाएगा, है ना, जो कि बंडलों के रूप में होगा। ठीक है, अब आइगन मान तथा आइगन फलन का व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता है, त्रिविमीय कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना होता है, कितना होता है, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई प्लस कितना वी साई, जहाँ डेल स्क्वायर क्या है, डेल ऑपरेटर है, जो कि स्थिति के पदों में क्या है, उसका द्वितीय अवकलज को प्रदर्शित कर रहा है। वी जो है उसका क्या है, विभव फलन है, है ना। ये किसके इक्वल होता है, आई एच का डेल साई अपॉन में कितना, डेल टी के रूप में, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये पूरा जो पद दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक के, इस पूरे पद में हमको क्या करना है, साई कॉमन निकाल लेना है। तो ये साई साई कॉमन आ गया, तो स्टार्टिंग में क्या है, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m, है ना, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, है ना। बुक में आप थोड़ा सा उसको ये कर देना, क्या हो जाएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में कितना 2m, कितना आ गया, डेल स्क्वायर प्लस वी, और ये साई यहाँ से क्या कर दिया, दोनों इससे कॉमन ले लिया, ये ले लिया अपन ने कॉमन। ठीक है, प्लस ये पद पूरा जैसे का वैसा, है ना, समीकरण। अब ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण स्थिति और समय के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि वो केवल स्थिति को प्रदर्शित करता है तो वो काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाता है, है ना। मतलब यदि हम समीकरण एक के हल की बात करें तो समीकरण एक के हल में दो प्रकार से आ सकता है, एक उसका स्थिति का फलन भी आ सकता है, एक उसके समय का फलन भी आ सकता है ना। मतलब यहाँ पर देखो, ये वाला किसका फलन है, ये टी पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण होगा इसके लिए। और ये वाला जो है डेल स्क्वायर वी, ये किसका फलन है, ये स्थिति एक्स वाई जेड का फलन है, क्योंकि डेल स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, क्या डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना, डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना, डेल जेड का स्क्वायर। तो ये किसका फलन है, स्थितियों का फलन है। और वैसे यहाँ पर ये जो डेल साई अपॉन में डेल टी जो दिख रहा है समीकरण ए में, दाया और का जो पद दिख रहा है लास्ट वाला, वो किसका, समय का फलन कहला रहा है ना। तो अपने को ये जो समीकरण ए का जब हम हल निकालेंगे, है ना, तो वो हल जो होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे, है ना, वो फलन किसका फलन होगा, वो कालाश्रित का भी फलन होगा, जिसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो समय पर डिपेंड करेगा, और जो समय पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब केवल स्थितियों पर डिपेंड करेगा, वो काला अनाश्रित क्या होगा, फलन होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण ए का जो
मान आएगा है ना, फलन जो आएगा है ना फाई, उसको हम क्या मानेंगे, काल अनाश्रित फलन, जो कि टी पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पर डिपेंड करेगा, स्थिति पर डिपेंड करेगा, जिसको अपन एफ एक्स वाई जेड है ना मानेंगे। और काल आश्रित फलन जो कि केवल किस पर डिपेंड करेगा, टी पर डिपेंड करेगा, तो उसको अपन फाई मान लेते हैं ना। तो काल अनाश्रित फलन को अपन ने क्या मान लिया, एफ मान लिया, और काल अनाश्रित फलन को अपन ने क्या मान लिया, फाई टी मान लिया। तो ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का जो हल आएगा, साई एक्स वाई जेड और टी का फलन होगा, क्योंकि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स वाई जेड का भी है और किसका है, टी का भी फलन है। तो यहाँ का जो मान आएगा साई एक्स वाई जेड टी के रूप में, वो क्या वैल्यू आएगी, ये समय का भी मतलब किसका, स्थिति का भी फलन होगा एफ एक्स वाई जेड के रूप में, और किसका फलन होगा, टाइम का भी फलन होगा, जिसको अपन ने काल आश्रित लिख लिया है ना, साई टी के रूप में है ना। तो अब ये समीकरण नंबर कितना हो गया, एक हो गया। अब ये जो साई जो लिखा है अपन ने, ये वाला जो मान, इसको हल के रूप में निकालेंगे है ना, ऊपर ये साई और ये समीकरण एक में साई, यहाँ साई की जगह अपने को क्या लिखना है, एफ एक्स वाई जेड समीकरण एक से मान रखना है, एफ एक्स वाई जेड इंटू कितना, साई टी के रूप में निकालना है, साई टी के रूप में रखना है। तो यहाँ ये आ जाएगा एफ एक्स वाई जेड इंटू कितना, साई टी के रूप में है ना। तो इधर भी यहाँ पर भी मान रख दिया अपन ने, समीकरण एक में कहाँ मान रखा है, यहाँ मान रख दिया, और यहाँ पर भी मान रखेंगे तो ये वाला मान यहाँ पर आ गया, और यहाँ मान रखेंगे तो कितना, आई साई डेल अपॉन में डेल टी, साई की वैल्यू क्या रखना है अपने को, एफ एक्स वाई जेड इंटू कितना रखना है, इंटू रखना है हमको कितना, साई टी, यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साई टी इंटू साई टी के रूप में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो समीकरण निकाला है हमने, ये वाला है ना, इसमें एफ एक्स वाई जेड और साई टी का क्या दे देना है, भाग दे देना है, एफ एक्स वाई जेड इंटू कितना, साई टी का भाग देना है, ठीक है। तो इसमें यदि लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम भाग देंगे, किसमें, इस पूरे पद में यदि हम भाग दे देंगे, इस पूरे पद में यदि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साई टी से साई टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, अपॉन में एफ एक्स वाई जेड बचेगा, तो इसको अपन ने यहाँ पर लिख लिया, कितना लिखा है, वन अपॉन में एफ एक्स वाई जेड, ये पूरा पद जैसा का वैसा, माइनस एच का टू अपॉन में टू एम इंटू डेल कितना, डेल स्क्वायर प्लस कितना, वी जो फलन होगा वो भी किसका फलन होगा, एक्स वाई जेड का फलन होगा है ना, इंटू यहाँ पर क्या बचा है, ये वाला बचा है केवल, कितना, क्योंकि साई टी से साई टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एफ एक्स वाई जेड बचेगा, तो ये वाला फलन यहाँ पर बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी आई साई डेल अपॉन में डेल टी, यहाँ से क्या दे देना है, साई एक्स वाई जेड और इंटू साई टी का क्या दे देना है, भाग देना है, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका टोटल का भाग दे देंगे तो कितना, आई एच का डेल अपॉन में कितना, डेल टी है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वन अपॉन में साई टी आ जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ से केवल एफ एक्स वाई जेड का ही केवल भाग देना है, इसका इससे भाग दे देंगे, केवल ये बचेगा, कितना कितना बचेगा, वन अपॉन में साई टी, ये यहाँ पर लिखा है अपन ने, ये वन अपॉन में कितना, साई टी इंटू कितना, डेल अपॉन में डेल टी, ऊपर वाला है देखो, ये डेल अपॉन में डेल टी है ना, और इंटू कितना हो जाएगा, ये साई टी जैसा का वैसा, केवल यहाँ पर किसको, एफ एक्स वाई जेड को कैंसिल करना है, और इधर पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले पद में कितने, किसको, साई टी को कैंसिल करना है ना। तो ये यहाँ पर बचेगा, यही वाले पद को अपने को क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, क्योंकि ये वाला जो पद अपने ने यहाँ पर बराबर लिखा नहीं हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे इसको, वन अपॉन में कितना, साई टी है ना, डेल अपॉन में कितना, डेल टी, कितना आ जाएगा, साई टी के रूप में, ठीक है। और यही वाले पद को अपन ने क्या लिखा है, इधर लिखा है, तो क्या हो जाएगा, आई एच कट वन अपॉन में कितना, साई टी डेल अपॉन में कितना, डेल टी इंटू कितना, साई टी के रूप में। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, दो आ गया है ना। ये पूरा पद फिर जैसा का वैसा लिखेंगे, ओके क्लियर। अब उपरोक्त समीकरण दो में, ये उपरोक्त समीकरण दो है, इसमें यहाँ से यहाँ तक के पूरा देख लो, यहाँ पर टी का कोई भी फलन नहीं है, केवल किसका फलन है, मतलब उपरोक्त समीकरण बाई ओर में, बाई ओर का जो पद है वो समय टी पर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो स्थिति पर निर्भर कर रहा है मतलब काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण होगा है ना। मतलब ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पूरा पद है वो क्या आएगा, काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक के,
ये वन अपॉन में कितना, वन अपॉन में एफ एक्स वाई जेड माइनस एच एट एच कट का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक के है ना, डेल स्क्वायर प्लस कितना वी एक्स वाई जेड इंटू कितना एफ एक्स वाई जेड। ये केवल किसका फलन है, ये केवल है स्थिति का फलन है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, काल अनाश्रित श्रोडिंगर है ना। और दाई ओर का जो पद है, दाई ओर का पद क्या है, एक्स वाई जेड पर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं, केवल किस पर निर्भर कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। तो जो इधर वाला जो पद है समीकरण दो के दाई ओर वाला, कौन सा, आई एच कट, ऊपर देखो आप, आई एच कट वन अपॉन में कितना है, कितना डेल अपॉन में कितना, डेल साई है ना, कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल साई कितना, डेल अपॉन में कितना साई टी, क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में कितना, डेल टी इंटू कितना साई टी। ओके, तो ये वाला जो पद होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण लेते हैं, है ना। और दोनों ओर की राशि यदि बराबर है तो दोनों के लिए नेतांक भी क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हमको क्या लेना है, ऊपर वाला जो भाग है कौन सा, ये है ना, जो कि समीकरण दो में बाई ओर का पथ था है ना, उसको अपन लेते हैं। और उस समीकरण तीन में दोनों ओर किससे गुना करते हैं, एफ एक्स वाई जेड से गुना करते है ना, क्या कहते हैं, एफ एक्स वाई जेड से गुना करते हैं। तो एफ वाई जे एक्स वाई जेड से गुना करेंगे तो यहाँ पर यदि एफ एक्स वाई जेड से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा पद, ये पूरा पद बचेगा काहे से, माइनस एच एट एच कट का स्क्वायर अपॉन में टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड इंटू कितना एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ओके, और इसमें भी करना है, समीकरण तीन के लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है, राइट हैंड साइड में भी करना है, तो ये इसका ये गुना कर दिया अपन ने। ओके, उसके बाद में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस एच कट का स्क्वायर इंटू कितना डेल स्क्वायर, ये एफ का गुना इसके साथ में कर दो, एफ का गुना यहाँ पर हो गया। अब ये वी एफ एक्स वाई जेड को इधर इसके माइनस में लेकर चल जाओ, ये बराबर के इधर लेकर जाओ तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वी एफ एक्स वाई जेड के रूप में हो जाएगा, तो ई एफ एक्स वाई जेड माइनस कितना वी एफ एक्स वाई जेड, तो यहाँ से एफ एक्स वाई जेड क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, ई माइनस वी एफ एक्स वाई जेड बचेगा, ठीक है। इस एफ एक्स वाई जेड को अपन एफ फलन मान लेते हैं, ठीक है। तो माइनस एच एच कट का स्क्वायर अपॉन में टू एम डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस वी एफ के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ये टू एम इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टू एम हो गया, ये यहाँ से इधर जाएगा इनटू में हो जाएगा, तो ठीक है, तो टू एम और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस टू एम अपॉन में एच कट का स्क्वायर, ठीक है। और कितना, ई माइनस वी इंटू ई माइनस वी इंटू कितना एफ, और ये वैल्यू क्या निकली है, डेल स्क्वायर एफ की वैल्यू निकली है, ठीक है। अब ये माइनस को इधर लेकर आ जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो डेल स्क्वायर एफ प्लस कितना टू एम अपॉन में एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी इंटू कितना एफ के रूप में आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला जो समीकरण जो हमने मान निकाला है, डेल स्क्वायर एफ प्लस कितना टू एम अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी एफ इक्वल टू जीरो, ये केवल एफ जो है उसे एफ का फलन है ना, एफ के रूप में एक तरंग समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो चूंकि फलन एफ जो है वो किसको, स्थिति एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है ना, क्योंकि फलन एफ जो लिया था वो स्थिति का ही फलन लिया था, और साई जो लिया है, फाई जो लिया था अपन ने, वो किसका फलन लिया था, समय टी का फलन लिया था। तो यहाँ पर फाई दिख रहा है कि आपको इस समीकरण में नहीं दिख रहा है, केवल एफ दिख रहा है, तो एफ किसका फलन है, केवल स्थिति का फलन है, इसलिए ये काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो, है ना। और इसका हल जो है वो इसके हल के बराबर, मतलब एफ के बराबर होगा, तो एफ जो है वो एक्स वाई जेड के रूप में आएगा, है ना। तो ये काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण का काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, और इसका हल क्या है, एफ के रूप में आएगा, किसके रूप में, एफ के रूप में, तो एफ कितना एक्स वाई जेड के रूप में, जो कि एक्स वाई जेड का फलन है। अब काल आश्रित श्रोडिंगर भाग के लिए बात करते हैं, तो कौन सा था काल आश्रित श्रोडिंगर भाग, ये वाला समीकरण चार, ये वाला जो लिखा है ना अपन ने,
ये वाला है ना, कौन सा आई एच कट डेल अपॉन में कितना, सॉरी वन अपॉन में है, यहाँ पर क्या है वन अपॉन में साई टी, डेल अपॉन में कितना डेल टी है ना साई टी इक्वल टू कितना ई है, ठीक है ये समीकरण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डेल टी है वो इसके गुना में आ जाएगा, तो ई इंटू कितना आ गया, ई इंटू कितना आ गया डेल टी आ गया, फिर ये आई एच कट जो है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आई एच कट आ गया। तो यहाँ से अब क्या बचा है, ये डेल साई टी है, डेल कितना फाई टी अपॉन में कितना फाई टी बचा है, देखो डेल फाई टी अपॉन में कितना डेल फाई टी बचा है ना, डेल टी का गुना इसके साथ में कर लिया, आई एच कट को इधर लेकर आ गए, ठीक है। तो हम इस पूरे फलन को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं है ना। अब यहाँ से ये वन है तो वन को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की इक्वल टू, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन, और माइनस वन के साथ में माइनस का गुना करेंगे तो वन ही आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आई एच कट और ई इंटू डेल टी जैसे का वैसा, ठीक है, इसको भी पूरा मान जैसे का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ये आई से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर माइनस आई बचेगा, अपॉन में एच कट ई इंटू कितना डेल टी है ना। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो डेल फाई टी अपॉन में कितना फाई टी, इसका समाकलन क्या हो जाएगा लॉग फाई टी हो जाएगा है ना, और ये माइनस आई अपॉन में एच कट ई, और इसका जब हम समाकलन करेंगे डेल टी का तो टी हो जाएगा, ठीक है क्लियर। तो जो फाई टी जो है वो क्या जाएगा वन अपॉन में लॉग, वन अपॉन में कितना जाएगा ये वन अपॉन में कितना जाएगा लॉग माइनस आई ई टू ई टी अपॉन में कितना एच कट, ठीक है। तो इसको अपन वन अपॉन में लॉग है तो लॉग के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, उसको ई टू दी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके मतलब लॉग को एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कितने रूप में आ जाएगा, यदि लॉग के रूप में रहता डायरेक्ट लॉग के रूप में रहता तो ई टू दी पावर माइनस आई थीटा के रूप में हो जाता है ना, यदि लॉग के रूप में रहता तो ई टू दी पावर माइनस आई के रूप में हो जाता, लेकिन ये वन अपॉन में लॉग के रूप में है इसलिए यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ठीक है। मतलब ये जो माइनस का जो है वो इसमें किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ई टू द पावर आई ई टी अपॉन में कितना एच कट ये रूप आ जाएगा है ना, और ये फाई टी जो है वो क्या कहलाएगा उसका आइगन मान कहलाएगा, ये भी आइगन मान है ये भी आइगन मान है ना, और दोनों के आइगन मान, ये कौन सा आइगन मान है समय के लिए आइगन मान है, ये किसके लिए आइगन मान है सॉरी ये स्थिति के लिए आइगन मान है एफ का मान, और ये जो फाई टी जो है वो किसका है समय का है ना। तो फाई टी का मान अपन कहाँ रखेंगे समीकरण एक में यदि रख देंगे है ना, समीकरण एक कहाँ पर है हमारा, ये है समीकरण एक है ना, इसमें हमको किसकी वैल्यू रखना है, ये फाई टी की वैल्यू रखना है अपने को है ना, आइगन मान की वैल्यू। तो फाई टी की वैल्यू जब हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा साई एक्स वाई जेड टी बराबर कितना, ये वैल्यू आ जाएगी देखो क्या वैल्यू आ जाएगी साई एक्स वाई जेड टी बराबर कितना एफ एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हमने फाई टी की वैल्यू क्या रखी है ई टू दी पावर आई ई टी अपॉन में कितना एच कट, ये आइगन फलन कहलाएगा, ठीक है एक फलन के रूप में है ये फाई के रूप में, ठीक है। ये क्या है उसका आइगन मान है, जो कि आइगन मान किसके किसके लिए है, ये ऊर्जा के लिए, देखो यहाँ पर ऊर्जा के पदों में, ठीक है ई के पदों में, इसलिए ये ऊर्जा ऊर्जा और ये समय के पदों में, ठीक है। तो ये आइगन मान है क्लियर, और ये आइगन फलन है कि आइगन मानों से ये ऊर्जा के रूप में और ये स्थिति के रूप में, जब हम एक तरंग समीकरण लेंगे तो तरंग समीकरण का जो भी हल होगा वो उसका क्या कहलाएगा आइगन फलन कहलाएगा, ठीक है। तो आइगन मान क्या होता है, अभी हमने बताया स्टार्टिंग में बताया था हमने क्या कि आइगन मान जो होता है क्या किसी सीमित या परिमित क्षेत्र में कण के लिए कण की ऊर्जा के क्या होते हैं कुछ निश्चित या विशेष मान ही होते हैं, अतः किसी निकाय की ऊर्जा के इन विशेष निश्चित संभव मानों को हम क्या कहते हैं उसका लाक्षणिक मान या आइगन मान कहते हैं, ये आइगन मान इस रूप में है, ठीक है ई टू दी पावर आई ई टी अपॉन में कितना एच कट, ठीक है। और आइगन फलन क्या होता है, ये आइगन फलन निकाला है क्या ऊर्जा के एक आइगन मान ई के लिए, ठीक है ई के लिए क्या ई के मान से के हल से जो प्राप्त होता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण उसे प्राप्त जो तरंग फलन प्राप्त होगा अपना वो क्या कहलाएगा साई का मान
उसको अपन बोलेंगे आइगन फलन बोलेंगे, है ना। मतलब जो भी ई के मान से जो भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्राप्त होगा, उस श्रोडिंगर तरंग समीकरण का जो भी हल होगा, है ना, उस हल को अपन क्या बोलेंगे, उसका तरंग फलन बोलेंगे, ठीक है, है ना। ये हो गया, तो ये आइगन मान की वैल्यू होगी और ये आइगन फलन की वैल्यू होगी, ठीक है। थैंक यू।